गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट में खास, सहयोगियों को सौगात। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार मोदी सरकार का आम बजट पेश किया है। 2024-25 के आम बजट में एक ओर मध्य वर्ग को राहत दी तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं पर खास फोकस रहा, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य की मांग को विशेष पैकेज देकर रिप्लेस कर दिया गया। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बजट के जरिए सहयोगियों को भी साधा और जनता को भी। ये खास रिपोर्ट देखिए। Capital investments will be provided. The requests of Bihar government. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना सातवां वित्तीय बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने विकास परियोजनाओं से लेकर युवाओं को स्किल दिलाने तक कई बड़ी सौगातें दी, जबकि एमएसएमई को 100 करोड़ तक के लोन के मामले में भी बड़ी राहत दी। इन सब के बीच बजट में खास बात ये रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणाएं की, जो कि दोनों के ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम साबित होंगे। Projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Peerpenti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट एलोकेशन किया है, जबकि औद्योगिक कामगारों को डोरमेट्री आवास की सुविधा मिलेगी। वहीं आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान मिलेगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने बजट में बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव रखा। बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेके पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है। 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है, और जितना भी जिला है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, बिहार सरकार प्रस्ताव देगी, वहां नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया है। गंगा नदी पर इतना पुल है, उसके बाद भी 2 नया पुल बिहार में कम्युनिकेशन बढ़े उसके लिए 2 नया गंगा पर पुल दिया गया है। पीरपैंती में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो कि पूरे बिहार के बिजली के समस्या को दूर कर देगा, वो दिया गया है। और इस तरह करके हमें ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बिहार के लिए केंद्र सरकार की इतनी चिंता, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सपना में कि इतना ज्यादा बिहार के लिए सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की मदद से बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पूर्ण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लेकर आएगा। हमारे जो सहयोगी हैं उनकी भावना है कि बिहार आगे बढ़े। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं।
तो ये इस तरह से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और आज का जो बजट भाषण जो अभी चल रहा है उसमें कई चीजें बहुत साफ तौर पर बिहार के लिए आई है। और मुझे लगता है कि जब पूरे बजट भाषण समाप्त होगा माननीय वित्त मंत्री जी का और तब उस पर जो प्रतिक्रियाएं आएगी, तब लगेगा कि पूरे तौर पर बिहार के विकास के लिए वो सारे प्रावधान किए गए हैं जो बिहार के लोग चाह रहे हैं और हमारे सहयोगी दल के भी जो साथी चाह रहे हैं। केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के पुनर्गठन के बाद होने वाली वित्तीय कमियों को दूर करने के लिए सहायता दी जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन मिलेगा। बता दें कि इसके साथ ही इस बजट में कैंसर की 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया है, यानी ये 3 दवाएं सस्ती होंगी। सोने चांदी के कस्टम ड्यूटी में भी कटौती की गई है, जो कि ज्वेलरी के लिहाज से बड़ी खबर है। आम बजट में पेश की गई योजनाओं से देश के बाकी राज्यों के साथ साथ बिहार और आंध्र प्रदेश में भी खासा असर दिखाई देगा। बिहार के केवल केंद्रीय बजट में बजटीय आवंटन ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो विभिन्न मानक हैं वह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है, ब्रिज के लिए है बक्सर में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए है, जो रिलीजियस कॉरिडोर बनना है उनमें गौतम बुद्ध की धरती बोधगया भी है, गया भी है। तो ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक रूप से, चूंकि पर्यटन के क्षेत्र में भारत सरकार के आंकड़े गवाह हैं कि हम देश में 8वां स्थान पर हैं, तो बिहार के अंदर में जो बदलाव हुआ है तो ये मूलभूत जो कार्य किए जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम और भी सुखद होंगे। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए विकास के लिए बिहार के नए उत्थान और बिहार के विकसित बिहार बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उसमें आज 26,000 करोड़ एक्सप्रेस वे बनाया गया है, बाढ़ से मुक्ति के लिए, नहरीकरण के लिए, युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की गई है। और इससे बिहार को पूरा लाभ होगा। पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने जो गरीब, युवा, किसान, महिला के लिए कहे थे, वह बजट में साफ झलक रहा है। और यह बजट भारत को विकसित भारत बनाने, बिहार को विकसित बिहार बनाने का एक बड़ा ही नींव रखा गया। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है, जिससे विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ कर रखने की कोशिश जरूर की है। बिहार के लिए कई अलग अलग घोषणाएं इस दौरान की गई। इसी तरीके से बजट में बिहार को बम्पर बेनिफिट मिला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट के जरिए अपने खास सहयोगियों को साधे रखने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला है। संसद में बजट पेश करते हुए मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बिहार को अलग अलग योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया। इनमें से 26,000 करोड़ रुपए का फंड बिहार के अंदर
सड़कों का जाल बिछाने के लिए खर्च किया जाएगा। इस फंड से राज्य में 3 एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्रीय बजट में 26,000 करोड़ का प्रावधान। पटना से पूर्णिया और बक्सर से भागलपुर के बीच एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। बोध गया से दरभंगा वाया राजगीर वैशाली एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल निर्माण किया जाएगा। गया में इंडस्ट्रियल हब विकसित होगा। बिहार में बाढ़ की समस्या को लेकर नेपाल से भारत सरकार बात करेगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए बजट में 11,500 करोड़ का फंड दिया गया है। बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नालंदा राजगीर में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा। बिहार में कई एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस और स्टेडियम भी स्थापित होंगे। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। ऊर्जा क्षेत्र विकसित करने के लिए बिहार को 21,400 करोड़ रुपए की सौगात। बिहार को इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड दिलाया जाएगा। नेपाल के कारण होता था, उसे भारत के भीतर सुधार करने का, जो बैरेज बनाने का हजारों करोड़ रुपए का जो निवेश किया जाएगा वो अपने आप में ऐतिहासिक माना जाएगा। तो बिहार के लिए बहुत कुछ आगे और कुछ आना ही है। जो बिहार की चिंता की गई है, क्या बोधगया, क्या नालंदा, क्या विष्णुपद मंदिर, क्या नेशनल हाईवे, क्या बाढ़ के रोकने के उपाय, तो बिहार का विकास देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, हम हमेशा कहते हैं। तो आज जो चिंता की गई है उसके लिए बहुत अभिनंदन आंध्र प्रदेश की भी की गई है, देश के लिए भी की गई है, और पूरे पूर्वोत्तर भारत के जितने बाढ़ से प्रभावित होते हैं, नेपाल से नदियां आती हैं, वहां कुछ होता नहीं है, तो सबकी सोच सार्थक, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही विकसित भारत की ओर ले जाने वाला। राज्य को विशेष पैकेज मिलने से गदगद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही कबीर के दोहे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, से बिहार की जनता और विरोधियों को साधने की कोशिश की। जहां ज्यादा जरूरतें थी उनको मिला। बिहार में जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बाढ़ के इलाका हमेशा रहता था, जिससे गोरखपुर को भी तकलीफ होती थी हमेशा, वो एक ऐतिहासिक बजट है। उसमें डायमंड मार्केट भी है, युवाओं भी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी, स्टूडेंट ने 3 लाख से 7 लाख रुपए पर मात्र 5% इनकम टैक्स भरने वालों की अब तादाद बढ़ेगी। इससे शानदार बजट कभी कोई सरकार सोच ही नहीं सकती। दरअसल सीएम नीतीश कुमार समेत बिहार के तमाम नेता लंबे अरसे से विशेष राज्य की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से बिहार को उम्मीद थी कि इस बार केंद्र सरकार उनका ये सपना पूरा करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने मौजूदा प्रावधानों का हवाला देकर विशेष राज्य का दर्जा देने की बात टाल दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता मिलेगी। फिलहाल जेडीयू बिहार को मिले विशेष पैकेज को एंजॉय कर रही है। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के इस फैसले का दोनों बाहें खोलकर स्वागत किया। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे लगातार सब जगह, कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं, कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तुम लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए थे, लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और हिंदुओं को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं।
क्या नीतीश कुमार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज भले ही ना मिला हो लेकिन बिहार को केंद्र सरकार की ओर से बहुत कुछ मिलने वाला है। एक बात तो नीतीश कुमार जानते हैं कि मौजूदा हालात में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलने से रहा, लिहाजा जो चाहिए उसे पाने का कोई पुराना तरीका अपनाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार किसी और रणनीति पर काम कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार के दूसरे स्तंभ यानी कि टीडीपी को अंत तक बनाए रखने के लिए खजाना खोल दिया है। आम बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देकर मोदी सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 5 साल मजबूत करने की कोशिश की तो वहीं दूसरी ओर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को फिलहाल इस पैकेज से दबा दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड द रिक्वेस्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। मोदी सरकार 3.0 तीन मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ खुद बीजेपी है, दूसरा स्तंभ आंध्र प्रदेश की टीडीपी और तीसरा स्तंभ बिहार की जेडीयू। 2024 में मोदी सरकार के ये वो तीनों स्तंभ हैं जिन पर मोदी सरकार टिकी हुई है। अपनी चाल से विरोधियों को पटकनी देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी तीसरी पारी को अंत तक खेलना है तो दोनों सहयोगियों का साथ बहुत जरूरी है। दोनों सहयोगियों में से एक भी रूठा तो तीसरी पारी का अंत यही हो जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी ने आम बजट के जरिए अपने दोनों सहयोगियों को साथ कर रखा है। Which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads in Kopparthi node on the Visakhapatnam Chennai industrial corridor and Varavakkal node on the Hyderabad Bangalore industrial corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Modi ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में सहयोगियों का पूरा ध्यान रखा। बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी विशेष पैकेज देकर उस मुद्दे को फिलहाल एक साल के लिए टाल कर दिया है जो मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन सकते थे। विशेष राज्य की मांग के बदले विशेष पैकेज देकर पीएम मोदी अपने सहयोगियों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। All my constituency people and entire AP also feel very happy because last 5 years Amaravati was spoiled like anything and it has become a forest like thing. Now development is starting. We feel it is a good initiative from the central government. They will start by timeline. As per timeline, everything will start. And now, presently, these 15,000 crores will be useful for initiation. So slowly, everything will come. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसी जरूरी बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्त पोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में
की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के जरिए विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी और आगामी वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।